तो ये है एक पेंसिल और आज मैं देखने वाला हूँ कि इस पेंसिल को पूरा खत्म करने के लिए हमें इसे एक शार्पनर में कितनी बार घुमाना पड़ेगा। मेरे को ये इसलिए जानना है क्योंकि भाई बचपन में जब भी हम एक पेंसिल का यूज करते थे तब हम इस चीज पे तो ध्यान देते ही नहीं थे कि हम इसे एक शार्पनर के अंदर आखिर कितनी बार घुमा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसका पता लगाऊं। तो मैं जल्दी से अपने पास वाली दुकान से एक पेंसिल का पूरा डब्बा ही ले आया जिसके अंदर मेरे को शार्पनर फ्री में ही मिल गया। और अब बस मेरे को घर जाते ही इस पेंसिल को पूरा खत्म करना है। और घर आते ही मैंने इस पेंसिल को शार्प करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैं इस पेंसिल को शार्पनर मैं रोटेट कर रहा था तो ये पेंसिल छोटी होते जा रही थी। और आज तो इसका पता लग ही जाएगा कि हम एक पेंसिल को आखिर शार्पनर में कितनी बार रोटेट करते हैं इसको पूरा खत्म करने के लिए। और बहुत ही कड़ी मेहनत से लगातार एक घंटे तक इसको शार्प करने के बाद मैंने इसको इतना छोटा कर दिया। और अब इससे ज्यादा तो छोटी हो ही नहीं सकती पेंसिल। भाई ये देखो इस बेचारी ब्रांड न्यू पेंसिल के तो छिलके छिलके हो गए। और ये करने के लिए मुझे इसे पूरे 343 बार घुमाना पड़ा।